हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों द्वारा तोशिम आयोजन की परंपरा आज भी निभाई जा रही है। जिला किन्नौर के लोग देश के किसी भी कोने में हों, तोशिम समारोह का आयोजन सदियों से करते आ रहे हैं, ताकि जिस शहर या जिस जिला में वे लोग रह रहे हों, एक दूसरे को जान सके। सामंजस्य, सौहार्द व सहयोग बना रहे, इसके साथ साथ तोशिम यानी मधुर मिलन या गेट टुगेदर समारोह आयोजन का एक मकसद जिला से बाहर पल रहे युवाओं को अपनी संस्कृति, वेशभूषा और खान पान से अवगत करवाना भी होता है, ताकि वो अपनी परंपरा को खो ना दें। ऐसा ही कार्यक्रम शिमला जिला के ज्यूरी में किन्नौर कल्याण समिति ज्यूरी द्वारा आयोजित किया गया। कोविड-19 के कारण 2 वर्षों तक बंदिशों के चलते इस बार हल्की छूट मिलते ही लोगों ने तोशिम समारोह आयोजन कर खूब नाच गाना और मनोरंजन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि हरवंश लाल नेगी ने किन्नौर कल्याण समिति द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। किन्नौर कल्याण समिति ज्यूरी के प्रधान PS खोजना ने बताया कि तोशिम के आयोजन का मकसद अपने क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाकर परिचय के साथ साथ विभिन्न सकारात्मक विषयों पर चर्चा करना है। हम इस कल्चर को जो है तोशिम भी बोलते हैं, हमारे में लैंग्वेज तोशिम मीन्स की गेट टुगेदर टाइप का होता है ये। इसमें सारे जो है अपने सारे तरह के जो है इसमें सारे पूरे सोसाइटी के लोग इकट्ठे होते हैं और ये हम इसको बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये तोशिंग प्रोग्राम के नाम से मनाते हैं, जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ना उसको हमारी भाषा में हम तोशिंग प्रोग्राम बोलते हैं। ये मैक्सिमम मतलब सर्दियों में मनाते हैं, क्योंकि उस समय छुट्टियां भी होती हैं, लोग थोड़े फ्री भी होते हैं कामकाज से, इसलिए इस कार्यक्रम को हम सर्दियों में ही मनाते हैं। तो इसका मकसद क्या रहता है? इसका मकसद वही जो मैंने आपको बोल दिया कि इसका मकसद ये कि हमें पता नहीं चलता है कि इस एरिया में हम किन्नौर के कितने लोग हैं भाई, कहाँ कहाँ हैं। तब गेट टुगेदर के इससे तोशिंग इसमें हम लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं, इससे पता चल जाता है कि हम लोग यहाँ कितने हैं और कौन क्या करते हैं, कहाँ कहाँ है, कोई कोई समस्या में तो नहीं है, एक दूसरे से के संपर्क में आते हैं, फिर एक दूसरे के दुख दर्द का भी पता चल जाता है और थोड़ा सा इंजॉय करना होता है हम लोगों ने इस कार्यक्रम में इकट्ठे होकर के अपने कल्चर को, वहाँ के लोगों को भी हमने अपना कल्चर दिखाना होता है मेन कारण। ये जो हमारा जो कार्यक्रम है ये वैसे तोशिम जो है शुरू में हमारे किन्नौर में हर गांव गांव में मनाया जाता था, उसी को देखते हुए किन्नौर के बाहर भी चाहे शिमला बोलो, सोलन बोलो, दिल्ली बोलो, सब जगह मनाया जाता है। इसी को देखते हुए हमने जो ज्यूरी में भी इसी तरह का जो प्रोग्राम का आयोजन करने का सोचा। इसमें केवल ज्यूरी पंचायत के जो अधीन है किन्नौर वासी है, अभी हमने इसमें सिर्फ उनको ही शामिल किया है।